नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज़। आज हम पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव उच्चा माजरा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पास बैठे यहां के बुजुर्ग और युवा, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का विधायक अब की बार पटौदी की जनता चाहती है, जिसने इस गाँव के विकास कार्यों में सहयोग किया, किस पार्टी का नेता यह चुनना चाहेंगे, भाजपा कांग्रेस जेजेपी या इनेलो, इनसे बातचीत करते हैं। क्या आशीर्वाद से जो विमला जी का कार्यकाल था वो अच्छा था? हाँ, जो राव साहब के आशीर्वाद से अच्छा कार्यकाल। अब की बार भी दोबारा विमला जी को चाहेंगे? हाँ, विमला जी को मिलेगा, विमला जी के साथ। अगर विमला जी को पार्टी टिकट नहीं देती है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन राव साहब का ही है हमारे पास, तो वो कहेंगे उनके आदेश, उनके आदेश। आप क्या कहेंगे? जो राव साहब कहेंगे उसी को हम, तो किसी को, हाँ किसी को ले आए, कोई भी हो चाहे, हाँ राव साहब के साथ है। जिसको राव साहब इशारा करेंगे, हाथ रखेंगे जिसके सर पर, पूरा गांव तन मन धन से, चाहे पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, पार्टी से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं। और राव साहब भी मैंने कि नहीं चले, और कोई बाहरी विधायक लाएगा तो हम राव उसको हराने की कोशिश करेंगे। राव साहब के इशारे के ऊपर नहीं चला तो हम उसको हराने की कोशिश करेंगे जी। विधायक बनेगा राव के इशारे पर? हाँ जी, पटौदी के अंदर। पटौदी तो सर पिछली दफा राव साहब का इशारा था नरेंद्र पहाड़ी को? नहीं थी, उजगरी में नहीं था, खुल के समर्थन नहीं था, समर्थन नहीं था। उन्होंने कहा था मैं पार्टी के साथ हूँ जी और पार्टी के साथ रहूंगा जी, इसीलिए जरावता को वोट मिली थी। और सर अब की बार भी खुल के राव साहब ने नहीं बोला तो फिर क्या करोगे सर? फिर देखांगा जी चेहरा जी। हाँ जी, हाँ कौन सा माने, जैसे अब की बार कोई हमारा खिलाफ का आ गया जी और राव साहब फिर भी समर्थन ना, माने खुला समर्थन नहीं करे, वैसे अंदर अंदर ही करे, तो हम कोशिश करांगा उसने हरावन की, हराने की। हाँ, ये पटौदी हल्का थे, बीजेपी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है? नहीं, देखो राव साहब जिधर है उधर ही है। राव साहब अगर सपोर्ट नहीं करते किसी बीजेपी पार्टी वाले एमएलए को तो उससे कोई लेना देना नहीं, राव साहब के इशारे पे काम होगा। राव साहब के इशारे पे। आप क्या कहेंगे सर? यही जी, सबका जी पटौदी हल्का का हमारा यही है, जो राव साहब जिसको टिकट उसके कहने से नहीं मिली जी, तो हम तो राव साहब का जो इशारा होगा उसकी तरफ से, उसकी तरफ करोगे। अगली खुलो करेगा राव साहब, अगर उसकी कहानी नहीं मानी गई तो पब्लिक समझ जाएगी राव साहब का इशारा पे टिकट नहीं मिली है जी। हाँ, जब राव साहब नुब्बी कहोगे ना, कोई ना मैं पार्टी के साथ हूँ जिताओ, जब भी हम समझ जाएगा पिछली बार तो धोखा में रहेगा था जी। तो विमला जी का कार्यकाल अच्छा था? नहीं, बढ़िया था जी, आधी रात पे बुलावा था तो खड़ी मिले थी जी। विमला का जैसा पार्षद कोई नहीं आया? आप लोग कोई विधायक है जी? कोई विधायक नहीं आया, ईमानदार जी, ईमानदार विधायक। हाँ जी, विमला का जैसा विधायक यही पटौदी हल्का में कोई नहीं आया। आप लोग सबने पैसा कमाया है, विमला ने सेवा करिए, विमला ने एक्चुअल में सेवा करिए। क्या कहना चाहेंगे आप? राव साहब के समर्थक को वोट देंगे हम जी। हाँ, किसी को? कितनी एज होगी भाजी आप? मेरी होगी 70-71 साल। तो 71 साल का क्या अनुभव रहा पटौदी की राजनीति में? पटौदी की राजनीति में जहाँ राव साहब ने आदर है वही कैंडिडेट बना, सिवाय जरावता ने छोड़ के बाकी कैंडिडेट राव साहब का ही था जी। तो प्रेजेंट जो विधायक थे सत्यप्रकाश जरावता जी, उनके समय के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान आपके गांव में कोई ऐसा विकास कार्य? विकास नहीं, उसने लोगों की पूछ ही नहीं ली, पूछ नहीं ली, कभी पब्लिक का बीच में आया नहीं हुआ। उनका कहना है जी, हम तो उनका ये कहना है विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी का कि पटौदी के अंदर इतना विकास करवाया जितना समूचे हरियाणा के अंदर कहीं नहीं हुआ। नहीं जी, मारा गांव में तो किमी विकास करवाया ना, राव साहब की देन है जो काम जी, भी आखिर में रोड की यो करी है यो, जब इलेक्शन अभी तो आचार संहिता लग गई जी, अभी रोड कोई बनाएगा ही नहीं। कब हुई घोषणा? घोषणा कब की है? ये तो चल रही है कार्रवाई इसकी, ये जरा काम चल रहा है आखिरी, जब इलेक्शन आ कटे, इलेक्शन आ कटे हमारा। आप क्या कहेंगे सर? भाई देख, मैं नहीं पता, मैं दूर हूँ इस चीज पे। नहीं, आपके गांव से भी मेरे को नहीं पता, मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, बहुत ही बहुत दूर। वोट तो लोकतंत्र आपने देनी है किसी ना किसी, भाई वोट जैसे परिवार का अपना वो कहेंगे वैसे डाल दूंगा मैं, इतना बड़ा राजनीति तो बहुत दूर हूं मैं, दूर। अच्छा, आपके गांव से भी निशा जी विधायक की तैयारी कर रही है, तो उनके बारे में क्या विचार? निशा जी कांग्रेस से, अब वो कांग्रेस से लड़े या किसी और पार्टी या निर्दलीय लड़े? कांग्रेस का ही वो लगा रखा है जी, अभी तो तैयारी तो कांग्रेस के लेवल पे ही, कांग्रेस के वो पटौदी की लड़की है वो जी। हाँ, वहाँ धारवेड़ा रहती है जी, जानता हूँ, लेकिन हमारा मेन वही रहेगा जो राव साहब ने कह दी जी, उसी को वोट मिलेगी, वही हमारा पक्का है बिल्कुल जी।
और पार्टी राव के आदमी हो, पार्टी नहीं राव साहब के आदमी। राव वीरेंद्र जी देख क्या, और कुछ फिर बीजेपी की वोट देंगे जी, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ है फिर हम वैसे वोट देंगे बीजेपी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी के साथ रहेंगे। हाँ भाजपा सरकार, भाजपा।